तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से आप लोग का एक नए एडवेंचर में। जैसे कि आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, तो आप लोग को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस डे पे हम कुछ स्पेशल राइड करने जा रहे हैं। सेवेंटी फाइव पीपल्स के साथ यहाँ पे जेंट्स लेडीज सब लोग हैं, तो इन लोगों के साथ समथिंग कुछ किलोमीटर की राइड करेंगे जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज है। और यहाँ पे आई थिंक फ्लैग ऑफ के लिए यहाँ के MLA आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ्लैग ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद के अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। अपनी राइड नहीं, यहाँ की राइड। तो फिलहाल में हम चलते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे टीम आ चुकी है सभी लोगों की, आप लोग देख सकते हैं, और कुछ ही देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी राइड को। सो ये आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से, या ये नेहरू युवा केंद्र मैंगलोर वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। सो ये सब वॉलंटियर्स हैं, अभी कुछ लोग आ रहे हैं रास्ते में, तो वेट किया जा रहा है कि सब लोग आ जाएं, फिर उसके बाद की राइड को स्टार्ट किया जाए हम लोगों का। ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಎನಕೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಎನ್ಸಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು जैसा कि ये जो पुलिस की वैन है, ये सिर्फ हम लोग के लिए ही है। तो कुछ आगे टीम है, कुछ टीम पीछे है, इसी तरह हम लोग अपना राइड कर रहे हैं। जैसा कि आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, जिसके उपलक्ष्य में हम मैंगलोर साइकिलिंग क्लब की तरफ से हम आज राइड कर रहे हैं सबके साथ मिलके, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये यहाँ के मेंबर्स आप लोग देख लेते हैं, 100+ यहाँ पे मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जा रहा है, आप लोग देख लेते हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट करके देखते हैं कहाँ पे चलेंगे। ये तो अभी नो प्लान है। हाँ, आज का ब्रेकफास्ट। सो हेयर इज अ वन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್। जैसे कि प्रोग्राम अब समाप्त हो चुका है, तो अब सभी लोग जाने की तैयारी में है। कुछ लोग जा भी रहे हैं और हम निकलते हैं थोड़ी टाइम के बाद, हमारे पास तो भाई इनफ टाइम ही टाइम है। तो आज का जैसे कि पूरा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक गवर्नमेंट के थ्रू एक सर्टिफिकेट भी मिला,
खैर जो रहा, अब ठीक है, आज पूरा मैंगलोर हम विजिट करेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे उडुपी के लिए और फिर गोवा के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम इधर उधर मैं वेस्ट करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा लेकिन समय ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस जैसे कि मैं रूम पे आ चुका हूँ और मैंने सामान अपना पैक कर लिया है और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये साइकिल भी मैंने पैक कर दिया। फ्लैग लगा के फटाफट अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बजने वाले हैं, 3 बज गए हैं आज। गाइस इसी टेम्पल में को देखने के लिए हम आए थे लेकिन फिलहाल में बंद पड़ रहा है लग रहा है। सो यही टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत ये टेम्पल, इसीलिए आए हैं यहाँ पर। यही टेम्पल है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल है यार। ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर अभी बन रहा है और देख रहे हैं चारों तरफ एसी, फिर फैन, क्या ही कहा जाए, बहुत खूबसूरत। पहली बार यार इतना खूबसूरत टेंपल देखा हुआ। असली प्लेस ये है ना, ये आप लोग देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, चारों तरफ भोलेनाथ, बीच में ये पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है यार। जैसे कि मैं जहाँ पे आना चाहता था बता देना चाहता हूँ, यही आना है। तो इन्होंने यहाँ में इनवाइट किया था कि आप जब मैंगलोर में आएंगे तो आइएगा, और यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा लगा। ये इनकी शॉप है, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉप है, और यहाँ पे मैंने बनाना जूस मंगाया है पीने के लिए, तो अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये इनका आप लोग देख सकते हैं शॉप द कैफे। जैसे कि रात में मैं यहीं पे स्टे किया था, और ये रहा हमारा बेड।